और अब बात करते हैं आपके हमारे हम सबके जेब से जुड़ी हुई आज की सबसे अहम खबर के साथ, इस सवाल के साथ कि 2000 से ज्यादा पेमेंट पर क्या आपको और पैसा देना होगा, क्योंकि आज सुबह से एक खबर आग की तरह वायरल हो रही है। खबर यह है, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि 2000 रुपए से ऊपर का अगर आप UPI पेमेंट करते हैं तो क्या आपको उस पर सरचार्ज यानी कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इस खबर ने जाहिर है लोगों की टेंशन बढ़ा दी। बाजार से कुछ भी खरीदने पर आमतौर पर हम लोग UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, फौरन गए स्कैन किया और पेमेंट कर। आलम यह है कि लोग अब अपनी जेब में कैश तक लेकर नहीं चलते, यह आदत छूट चुकी है, बल्कि UPI से ही पेमेंट करना वो पसंद करते हैं। दुकान से आप दूध, ब्रेड, सब्जी, आप कुछ भी खरीदिए, कोई भी छोटी बड़ी खरीदारी कैसी भी करनी हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है स्कैनर का और UPI पेमेंट का। अब हम इसके इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि कैश की जगह UPI से ही पेमेंट करना हम सब पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद आज एक बड़ा सवाल सामने आया, और सवाल ये है कि आने वाले 1 अप्रैल से बदलाव क्या होने जा रहा है। इस खबर को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए और अपनी टेंशन कम कर लीजिए। NPCI ने एक ताजा सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में NPCI कहता है कि 1 अप्रैल से UPI के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लगेगी। इसको दोबारा से मैं दोहरा देती हूं आपके लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस ये लगेगी। इसके साथ इस सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यह चार्ज वसूला जाएगा। अब इस PPI फीस को लेकर ही लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भला ये नई चीज कैसी आ गई। आइए आपको ये भी समझा देते हैं और थोड़ी सी आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। PPI फीस एक तरीके का चार्ज होता है जो कि मर्चेंट के लेन देन पर वसूला जाएगा। इसका मतलब ये है कि PPI यानी कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड आदि से UPI पेमेंट करने पर 1.1% का एक इंटरचार्ज लगेगा। इससे लेन देन की लागत को वसूलने में मदद मिलेगी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये चार्ज आखिर वसूला कैसे जाएगा। NPCI ने सफाई दी है कि ये चार्ज केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। ये नियम एक दूसरे को पैसे भेजने या फिर आम खरीदारी के दौरान पेमेंट करने पर लागू नहीं होगा। इतना सुनने के बाद आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये पैसा आपके लेन देन पर नहीं लगेगा, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लगेगा। जैसे कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं और अमूमन कोई खरीदारी करते हैं, आपने दूध खरीदा, अंडा, सब्जी, आप उसके लिए अपने स्कैनर, अपनी UPI पेमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा दे देते हैं, तब तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी जैसे कि हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट के बीच एक चार्ज कटता है, और इसी तरीके से UPI सिस्टम में भी ये चार्ज कटेगा। सीधे तौर पर आम लोगों को ये चार्ज नहीं देना होगा, अगर इसे मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये चार्ज कहां देना होगा, ये भी आप समझिए। जैसे कि टेलीकॉम, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस जैसी कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर ये चार्ज लगने वाला है। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से चार्ज की दर अलग अलग है, ये समान नहीं है। UPI पेमेंट की रकम का 1.1% सबसे हाईएस्ट रेट है जो कि वसूला जाएगा। कैटेगरी के मुताबिक चार्ज की एक मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी गई है, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आमतौर पर जब से UPI पेमेंट आया है तब से लोग बैंक जाना कम कर चुके हैं। पहले किसी दूसरे खाते में पैसा भेजने के लिए आप क्या करते थे, आप बैंक चले जाते थे, लेकिन अब आपके फोन ने, आपकी UPI पेमेंट ने ये काम मिनटों में कर दिया है, यानी कि आप पैसा ट्रांसफर UPI के जरिए कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच में ये सवाल है कि क्या बैंक से पैसा ट्रांसफर करने पर चार्ज लगेगा। तो आपको इसका भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि अगर आप UPI के जरिए बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, UPI के जरिए आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। NPCI ने कहा है कि बैंक से लेन देन करने पर यानी कि आम UPI पेमेंट पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। NPCI ने आगे कहा कि कस्टमर्स अगर चाहें तो UPI ऐप पर रुपे क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI पेमेंट्स की रेगुलरिटी बॉडी है जिसने एक बात साफ कर दी है कि आम लोगों को UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई अतिरिक्त पैसा सरचार्ज नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर भी रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर का पैसा आपको नहीं देना होगा। अब
आपको मैं वो नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोटिफिकेशन आपको ये बताएगा, उसकी एक कॉपी ये बताएगी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया कि आम लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। आइए लेटर का एक एक शब्द मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, ताकि अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है तो उसको मैं आपके लिए खत्म कर दूं। इस शो को देखने के बाद किसी तरह का कोई भी आपको संदेह ना रहे कि 2000 रुपए से ज्यादा का मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या मेरा पैसा कटेगा, ये मैं इसको आपको समझा देती हूँ। देखिए लेटर में, ये लेटर आपके इस वक्त सामने है।